दोस्तों सभी को नमस्कार। एक वीडियो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आई एम ए प्रैक्टिकेबल पर्सन। ओके, जब मैं बेलगाम गया था, डिस्ट्रिक्ट प्लेस, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस, मेरा औरत का बड़ा बहन का घर को गया था, तब मेरा किताब सेल हो रहा था, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक डिजीजेस, वो बुक का नाम है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक डिजीजेस, वो कन्नड़ में प्रकट हुआ था। उसको पढ़ के बहुत लोग मेरे पास आ रहे थे। उसमें ये भी एक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस, माने बच्चेदानी से निरंतर रक्त क्या खून का स्राव हो रहा था, खून निकल रहा था। तो ये मेरा जिंदगी में अभी तक ऐसा पेशेंट मैं कहीं नहीं देखा। मुझे एक फोन कॉल आया, तभी अपना ये पूरा नहीं था, मोबाइल ये पूरा नहीं था, एक फोन कॉल आया। मैंने ये एंड्रॉयड फोन नहीं था, मामूली ये था, क्या मामूली मोबाइल था। मुझे फोन कॉल आ गया कि उसका बेटी को बच्चेदानी से, गर्भाशय से, यूटरस से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है करके। तो मैंने उधर जाना था, दैट वाज ऑन द वे टू शिमोगा, मैंने अपना गांव शिमोगा है। मैं बेलगाम से शिमोगा आते वक्त मुझे धारवाड़ से आना था, वो पेशेंट धारवाड़ की थी और उसका पिताजी ने एक एडवोकेट था, MSc LLB। मैं धारवाड़ बस स्टैंड में मैं और मेरा पत्नी उतर गए, तो वो कार लेके आया था हमको, वो लेके चल गए अपना घर को। मगर मैं उसके लिए मेडिसिन रेडी करके रखा था। वो मेडिसिन का नाम है सीकेल, कॉलोफिलम और सबीना। ये मेडिसिन मैं लेके गया था और उनको दिया। वो लड़की को देखा, वो 18 ईयर ओल्ड 18 साल की लड़की, पीयूसी पढ़ रही थी। वो उसको हेमोग्लोबिन भी बहुत कम था और प्लेटलेट बहुत कम था, मगर हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट के बारे में मुझे कुछ उन लोग बताए नहीं, मगर मुझे मालूम था हेमोग्लोबिन कम है करके, क्योंकि उसको हर हफ्ते में 2 बार ब्लड डोनेट कर रहे थे, ब्लड डाल रहे थे। तो उसका हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट भी कम था, मगर मुझे प्लेटलेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने बोला, मेडिसिन दिया और मैंने बोला ये मेडिसिन घंटे में एक बार दो, दिन में 10-12 बार दो, आज पहले नंबर का दो, कल दूसरा नंबर का, परसों तीसरा नंबर का मेडिसिन दो, घंटे में एक बार दो, 3-4 दिन में ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, जो खून फैल रहा है वो आराम हो जाएगा करके बोला। और तीन दिन के बाद मुझे फोन कॉल आया वो पेशेंट के पिताजी से, जिन्होंने एडवोकेट था, उससे फोन कॉल आया कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, जो खून बाहर निकलता था बच्चेदानी से, यूटरस से, गर्भाशय से जो खून निकल रहा था वो बंद हो गया करके। मुझे बहुत खुशी हो गया कि ये आराम हो जाएगा करके। मैं उसके बारे छोड़ दिया, वो केस के बारे में मैं कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं था। 1 बरस के बाद मैं उसको फोन करके पूछा कि आपके बेटी कैसा है, तो उन्होंने बोला मेरा बेटी मर गई।
मुझे बहुत बड़ा शौक हुआ था तभी, मगर मैं भी एक गलती किया था, मैं पूरा केस हिस्ट्री नहीं लिया था। उसको जब खून निकलने का गर्भाशय से यूटरस से बच्चेदानी से जो खून निकल रहा था तब उसका प्लेटलेट भी डाउन था, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं दिया था। उसका मतलब यह होता है उसको कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है करके, उसका मतलब है क्योंकि प्लेटलेट हम डाउन प्लेटलेट डाउन हो रहा है आजकल डेंगू का वजह से। डेंगू या डेंगू बीमारी में हम देखते हैं प्लेटलेट कम होते जाता है, और मेडिकल साइंस को ये मालूम नहीं है कि और दूसरा कौन सा वायरस से प्लेटलेट कम होते जा रहा है करके कम हो रहा है करके मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है उसको कुछ वायरस इन्फेक्शन का इन्फेक्शन भी हो गया रहेगा, मुझे मालूम नहीं। तो एक बरस के बाद मैं फोन करके पूछा तो उन्होंने बोला बेटी मर गई। मैंने पूछा क्यों, मेरा मेडिसिन दिया नहीं क्या करके पूछा। उन्होंने बोला मेडिसिन दिया हमने, उसका जो यूटेरस से जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा था वो आराम हो गया, स्टॉप हो गया। मगर एलोपैथी डॉक्टर ने बोला होम्योपैथी मेडिसिन स्टॉप करो, प्लेटलेट बढ़ाने का है, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन नहीं है, अभी जो मेडिसिन दे रहा है उसको स्टॉप करो, हम प्लेटलेट बढ़ाएंगे करके उन्होंने बोलकर एलोपैथी डॉक्टर ने बोलकर ये इसको बंद कराया, मेरा ट्रीटमेंट को बंद कराया। वो क्या भी हो, एक लड़की 18 बरस की एक लड़की मर गई। उसके बाद मुझे फॉर्मूला मिला प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्रोटोलस देना था, मगर वो लोग मुझे बोला नहीं, मैं दिया नहीं। अगर क्रोटोलस हाइपोटेंसी में दिया होता तो वो लड़की बच जाती थी, उसका प्लेटलेट बढ़ जाता था। तो अभी मुझे फार्मूला मिल गया, ऐसा क्रोनिक केस है तो उसको कैसा निभाएंगे, उसको कैसा आराम करेंगे। ये प्यार से बोल रहा हूँ, मैं किसी का दूषण नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट हेट एनीबडी, आई डोंट अपोज एनीबडी, ओके, आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन, आई लव ह्यूमैनिटी एंड आई बिलीव लव ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी इज गॉड, ओके। वो मैं अच्छा दिल का आदमी हूँ। इसलिए अगर मेरा ये भाषण में कुछ गलती है तो एलोपैथी डॉक्टर को कुछ हार्म हो गया तो, कुछ पेन हो गया तो मुझे माफ़ करो। और इतना बोलते मेरा ये भाषण को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे एंकरेज करो, और लाइक बटन को दबा के मुझे एंकरेज कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा मेरा नया नया वीडियो के बारे में। तो ये 100% आराम होता है, कौन सा कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस, बच्चेदानी से गर्भाशय से जो निरंतर खून निकलते रहता है, वैसा बीमारियों को हम 100% आराम करें। मैं आपको बोल दिया कौन सा मेडिसिन का नाम भी बोल दिया, आप भी ट्राई कर सकता है, कोई डॉक्टर होम्यो डॉक्टर ट्राई कर सकता है। अगर ऐसा केस आया तो कैसा निभाएंगे करके मैं बोल दिया। तो इतना बोल के मेरा भाषण खत्म करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 934 22 55 080। इतना बोलने के बाद ये मेरा छोटा भाषण को मैं खत्म करूंगा। आई विल पुट एन एंड टू माई स्पीच। आप सभी को धन्यवाद, मेरा चैनल को सबसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, मुझे क्या दीजिए एंकरेजमेंट दीजिए करके बोलते मैं मेरा भाषण को एंड करूँगा, ओके।